का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है शुभांगी की किचन। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं दाल बाटी, राजस्थानी फूड दाल बाटी। सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना। हमारी दाल में होगा तड़का जिसमें दिखेगी कश्मीरी लाल मिर्च की लाल लाल तरी और बाटी जो अंदर से नरम नरम और बाहर से बिल्कुल गरम गरम। उसके साथ ही हम आज अपनी रेसिपी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले स्टार्ट आप कीजिए लाइक शेयर और कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले शुभांगी की किचन। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। दाल बाटी की दाल बनाने के लिए हम तीन तरह की दाल ले रहे हैं। आज हमारी पहली दाल है अरहर की दाल जिसको हम तुअर की दाल भी बोलते हैं। ये हमने आधा कटोरी ली हुई है। ये मूंग की धुली हुई दाल है, इसको हमने 1/4 कटोरी ली हुई है। ये उड़द की धुली हुई दाल है, इसको भी हमने 1/4 कटोरी, आधा कटोरी तुअर की दाल, 1/4 मूंग की धुली, 1/4 उड़द की धुली। इन तीनों दालों को मिक्स करके हमें अच्छे से वॉश करना है और कुकर में पानी के साथ हल्दी नमक के साथ चढ़ाना है। हमने ये दाल धो ली है, तीनों को अच्छे से मिलाकर वॉश कर लिया है, 2 से 3 बार वॉश किया है इसके, ताकि जो प्रिजर्वेटिव जो केमिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाए। अब हम कुकर के अंदर ये दाल डालने वाले हैं और पानी ऐड करेंगे। दाल को धोना बहुत जरूरी है। अगर हम बिना धोए दाल डालेंगे तो हमारे जो केमिकल्स हैं वो पेट के लिए भी नुकसान करते हैं। हमारी तीनों दाल मिक्स करने के बाद हम इसमें 4 कटोरी पानी डाल देंगे। हम ये खाना 4 लोगों के लिए बना रहे हैं, 4 कटोरी दाल के लिए पानी सफिशिएंट है। हमने पानी और दाल ऐड किया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच हल्दी। जब तक दाल में सीटी आती है तब तक हम बाटी के लिए आटा प्रिपेयर कर लेते हैं। बाटी के लिए आटा प्रिपेयर कर लेते हैं। 2 कटोरी आटा लिया है मैंने, गेहूं का आटा है ये। हम ये 4 लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं दाल बाटी। 2 कटोरी गेहूं का आटा, 1/2 कटोरी बेसन और लगभग 1/2 कटोरी सूजी, रवा। सूजी ज्यादा मोटी नहीं है, मीडियम है, ना ज्यादा बारीक है ना ज्यादा मोटी है, आप देख सकते हैं। अजवाइन, अजवाइन को आपको हाथ से क्रश करके इस तरह से डालना है। इसमें 1/2 चम्मच सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये सूखे इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सबको हमें मिला लेना। हमने ये सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स मिला लिए हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज डलती है जिससे हमारी बाटी खस्ता बनती है और अंदर से ठोस जैसी नहीं लगती है, ये है हमारा खाना सोडा। खाना सोडा हम डालेंगे 2 चुटकी भर, अच्छे से भर के चुटकियां ले लेनी है। 2 चुटकी भर हमने खाना सोडा इसमें ऐड किया है। और ये घी है, देसी घी, 1/2 कटोरी से थोड़ा सा कम और 1/4 कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा हमने घी रखा है। ये सारा हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं, धीरे धीरे ऐड करेंगे, एक साथ नहीं ऐड करना है। कोई भी चीज खस्ता बनाते हैं उसके लिए एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, जो हम मोयन तैयार करते हैं आटे के साथ मिलाकर, उससे हमारा लड्डू बनना चाहिए। ये एक ट्रिक होती है जो सारी गृहणियां जानती हैं, जो लोग घर में कुकिंग करते हैं, सारी चीजें घर में बनाते हैं, उनको इस बात का अंदाजा होता है। हमें इसमें घी, आटा, बेसन, सूजी, खाना सोडा सब अच्छे से ऐड कर लेना है।
आप इसमें घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज करते हैं। घी से लेकिन हमारी टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए लड्डू बनने लगा है। दोस्तों इसके अंदर घी अच्छे से मिल चुका है, लड्डू भी बन रहा है। अब हम आटा मारते हैं। हमें इसका टाइट आटा लगाना है। इतना आटा बाटी के लिए प्रिपेयर करने में हमको लगभग एक कटोरी पानी लग जाएगा। आटा लगाने के बाद मिलते हैं हम 2 मिनट में। चलिए हमारा आटा भी लग चुका है। इस आटे को लगाने के लिए हमने एक कटोरी पानी लिया था। आटा थोड़ा टाइट ही लगाया हमने, जैसे हम पूरी का आटा लगाते हैं उसी प्रकार आटा लगाना है। इस आटे में हमने खाना सोडा ऐड किया था, सूजी ऐड की थी। उसको रेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। रेस्ट देने के लिए हम इसको प्लेट से ढक के रख देते हैं। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। और हमने अपनी दाल चढ़ाई थी कुकर में, अब दाल के अंदर 4 विसल्स आ चुकी है। थोड़ी थोड़ी गैस इसमें बाकी रह गई है, इसको हम गैस से उतार देते हैं और इसको थोड़ा सा सीटी निकलने का इंतजार करते हैं। हमारी दाल की सीटी निकल चुकी है, इसमें कोई गैस नहीं है। आइए हम तड़का लगाने की तैयारी कर लेते हैं। ये लगभग 4 टेबलस्पून सरसों का तेल है। मैं सरसों का तेल ही प्रेफर करती हूँ या देसी घी, क्योंकि रिफाइंड ऑयल में बहुत सारे केमिकल्स जाते हैं। सरसों का तेल आप शुद्ध होता है मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, और बाकी आपकी मर्जी, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। इनग्रीडियंट्स बता देती हूँ मैं इसके लिए। 2 टमाटर लिए हैं मैंने मीडियम साइज के, इनको बारीक चॉप किया हुआ है। मीडियम साइज की ही 2 ऑनियन ली हुई है, इसको भी चॉप किया हुआ है बारीक। लहसुन अदरक है, इसको भी बारीक चॉप किया हुआ है। 2 ग्रीन चिलीज ली है। ये चिलीज बहुत तीखी है, बहुत स्पाइसी है, तो मैंने 2 ही ली है छोटे साइज की। कोरिएंडर लिया हुआ है 2 स्पून। और ये सूखे मसाले हैं अपने जो हम घर में यूज करते हैं। ये है लाल मिर्च 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने का मेरा मोटिव ये है कि दाल में एक तरी जो होती है ना, अपन लोग जो खाते हैं, और जो रेस्टोरेंट में जो लुक आता है वो आ जाता है इसके अंदर। ये अपनी हल्दी है, हल्दी 1/2 चम्मच ली हुई है, और 2-4 चुटकी भर जीरा। हमारा सरसों का तेल गरम हो चुका है, देखिए इसमें से धुआं उठने लगा है। सरसों का तेल जब भी आप यूज करते हैं तो ये ही ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें से जब तक धुआं ना आ जाए तब तक ही इसको हीट करना है, क्योंकि इससे इसकी जो कच्चापन टेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करने वाले हैं जीरा। 1/2 छोटा चम्मच हमने या 4-5 चुटकी भर जीरा लिया था। अदरक लहसुन, इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर ग्रीन चिली, चॉप्ड ऑनियन, लहसुन डालने में संदूची ना करें, क्योंकि जितने भी राजस्थानी खाने होते हैं उसमें लहसुन काफी चलता है। हाँ तो मैं जयपुर से 6 साल रह चुकी हूँ, तो मुझे मालूम है कि लहसुन की क्वांटिटी वहाँ पे इतनी नहीं इतनी होती है। हमको ये ऑनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक सौते करना है। ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन दिखने लगा है, अब हम इसमें टमाटोज ऐड करेंगे। जब तक टमाटर इसमें अच्छे से पक नहीं जाते तब तक मसाला डालने का वेट करेंगे।
ऐड करने वाले हैं आधा चम्मच के लगभग हम नमक ले रहे हैं। आधा चम्मच हमने नमक जो हमने दाल बॉईल करने रखी थी तब लिया था, आधा चम्मच हम दोबारा ले रहे हैं। रेड चिली पाउडर आधा स्पून लिया था हमने, पिसा हुआ धनिया आधी चम्मच, हल्दी और हमारी कश्मीरी लाल मिर्च। देखिए हमारा ये तड़का तैयार हो चुका है। अब हमने जो दाल बॉईल की थी कुकर में वो हम इसमें ऐड करने वाले हैं। राजस्थान में बहुत ही चटपटा खाना खाया जाता है, हम ज्यादा चटपटा नहीं लेकिन नॉर्मल तो खाते ही हैं। लुक भी इम्पोर्टेंट होता है खाना बनाने के लिए, जब तक खाना अच्छा नहीं दिखेगा जब तक खाने की इच्छा भी नहीं होगी। दाल बाटी के साथ जो दाल बनती है वो ज्यादा पतली नहीं होती है, उसकी कंसिस्टेंसी लगभग इस तरह की होती है आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें उड़द की दाल ऐड की है तो थोड़ी गाढ़ीपन तो इसमें लगी थी। उस गाढ़ीपन को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए हम इसमें लगभग आधी कटोरी के लगभग पानी डाल देंगे। इस तड़के को दाल के साथ हम मिक्स होने देते हैं ताकि सारे मसालों के फ्लेवर दाल में भी आ जाए, और गैस को कर देते हैं सिम। अब बारी आती है बाटी बनाने की। हमारी दाल पककर रेडी हो चुकी है बढ़िया तरीके से, सारे मसालों का फ्लेवर इसमें पहुंच चुका है। दाल को थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मैं एक चम्मच देसी घी का तड़का लगाने वाली हूँ कश्मीरी लाल मिर्च के साथ। ये मेरा एक चम्मच है, इसमें मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। देसी घी को पकाने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा गर्म हो जाए बस। ये राजस्थानी खाने की खास ट्रिक है, क्योंकि बिना तरी और बिना तड़के का खाना वहां पे नहीं चलता है। इसमें हम ये हरा धनिया भी चॉप किया हुआ ऐड कर रहे हैं। दाल तो हमारी बिल्कुल रेडी है, दाल बाटी वाली। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना मस्त कलर आया है, कितना बढ़िया डिलीशियस लुक लग रहा है जो हमारे ढाबे पर मिलता है, रेस्टोरेंट में मिलता है दाल बाटी के साथ। ये दाल हमारी रेडी है, अब हम बाटी के आटे पे जाते हैं। दोस्तों ये हमारा बाटी का आटा है, हमने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दिया था, 10 मिनट के अंदर हमने अपनी दाल में तड़का भी लगा लिया है। बाटी को बनाने से पहले आप अपने हाथों में कोई चिकनाई लगा लीजिए या देसी घी लगा लीजिए। ट्रेडिशनली राजस्थान में जो बाटियां बनती हैं वो कंडे पर भी बनती है, चूल्हे पर बनती है, उसका अलग ही एक स्वाद है, अलग ही एक मजा है। हम हमारे घर में बाटी वाला जो तंदूर है उसके अंदर बाटी बनाने जा रहे हैं। बाटी आप ओटीजी में भी बना सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ओटीजी में बाटी बनाना सीखना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ओटीजी के अंदर बाटी कैसे बनाते हैं वो भी बता दूंगी। हमने बाटी के लिए घी लगा लिया है हाथों में, ऐसे करेंगे
और एक गोल लोई बनाएंगे। मुझे ज्यादा बड़ी और मोटी बाटी नहीं पसंद है, मैं छोटी ही अच्छी मुझे लगती है और छोटी जल्दी पक भी जाती है। बड़ी बाटियां जो होती हैं उसको पकने में भी टाइम लगता है, तो आप छोटी जो नॉर्मल रोटी चपाती की जो लोई लेते हैं उतनी ही साइज की आप बाटी की लोई भी ले सकते हैं। आटा थोड़ा टाइट है तो दम लगानी पड़ रही है। मैंने गैस चालू करके तंदूर को रेडी करने के लिए रख दिया है। मेरे पास बड़ा तंदूर है, सबसे बड़ा वाला साइज। इसमें आप एक बार में 12 बाटियां बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी 6 बाटियां प्रिपेयर करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए, हमने तंदूर को गैस ऑन करके रख दिया था, मीडियम गैस पे ही रखा है मैंने। इसकी जाली मैं इसमें लगा रही हूँ। बाटी इस तरह की बनाई है मैंने, जैसे आप लोई बनाते हैं उसमें लोई में हम थोड़ी चपटी कर देते हैं, लेकिन बाटी को थोड़ा सा उठा के दिखाना है हमको, ठीक है। इस तरीके की बाटी कुछ लगेगी आपकी। ये बाटी हमारी गोल बन चुकी है। एक मिनट के लिए हम गैस हाई फ्लेम पे रख रहे हैं और इसके अंदर बाटियों को सजा देते हैं। जितना प्यार से खाना बना उतना ही टेस्टी बनता है, मेरे हस्बैंड कहते हैं। अभी गैस मेरी फुल है और मैं ये इसका लिड बाटी ओवन का ढक्कन लगा रही हूँ। एक मिनट बाद करेक्ट मैं इसका सिम गैस पे कर दूंगी इसको, और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको बाटी को इसमें अच्छे से तंदूर बेक होने दूंगी, क्योंकि बाटी हमने छोटे साइज की बनाई है तो 15-20 मिनट में आपकी आराम से बन जाएगी। हमारी बाटी सिम गैस पे ही बन रही है, बिल्कुल स्लो गैस है और इसको पकते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं, 10 से 15 मिनट इसको लगभग हो चुके हैं कि क्या हाल है। देखिए, हमने इसमें खाना छोड़ा डाला था जिसकी वजह से बाटी अंदर से भी पक रही है, अच्छे से बेक हो रही है, इसीलिए ये फटी फटी सी लग रही है। ये देखिए आ रहा है ना शानदार कलर, ये देखिए। अब हम अपनी गैस को थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा देते हैं, मीडियम सिम पे करके रख रहे हैं, फुल गैस नहीं की है। 10 मिनट इसी वाले फ्लेम पे इसको पकाएंगे और जब ये पक जाएगी तो घी की कटोरी में डाल के उसको डुबो डुबो के घी के अंदर सर्व करेंगे। हमारी बाटी को पकते हुए लगभग 22 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि अंदर से पक गई है या नहीं पकी है, इनका क्या स्टेटस है। वाओ, आप देख सकते हैं क्या शानदार बाटी का लुक है। हमारी बाटी बन चुकी है। सबसे पहले गैस बंद कर देते हैं। आपको बाटी को घी में डालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक बाटी उठाना, उसको इस तरह से तोड़कर और घी में डुबकी लगवानी है। राजस्थानी लोग घी खाने में कोई कंजूसी नहीं करते और हम भी नहीं करेंगे। दोस्तों, अब हमारी दाल बाटी को सर्व करने का टाइम आ चुका है। ये हमारी बाटियां घी में डूबी हुई पड़ी हैं। मैंने एक प्लेट लगाई हुई है जिसमें मैंने दाल, ऑनियन, अचार, मिर्च और नींबू, ये सब मैंने इसमें लगाया है। और ये बाटी दाल के ऊपर आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। देखिए क्या शानदार खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं।
ये प्रिपेयर हो चुकी है हमारी राजस्थानी दाल बाटी। प्याज, आम का अचार, हरी मिर्च, नींबू। राजस्थानी दाल बिना नींबू के तो अधूरी है, नींबू जरूर डालें। प्लेट में सर्व करते टाइम ही रखें ताकि जिसको जितना रिक्वायर्ड है वो उतना डाल सकता है। मैं आपको अब बाटी को फोड़ कर दिखाने वाली हूँ कि ये कैसी बनी है। देखिए इसका कलर देखिए, क्या ब्राउननेस आई है इसमें, क्या गोल्डन ब्राउन मस्त बेक हुई है। और अंदर से भी देखिए क्या शानदार घी अंदर तक इसने जा पहुंचा, आप देख सकते हैं घी बिल्कुल अंदर तक गया है इसके अंदर। और क्रिस्पी तो लाजवाब, बिस्किट जैसा लुक, और अंदर से सॉफ्ट बाहर से सख्त, क्या मस्त बाटी बनी है। मैं आपको टेस्ट करके बता रही हूँ, लाजवाब। आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए मेरी रेसिपीज के साथ और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपसे दाल बाटी कैसी बनी, आपने मेरी रेसिपी ट्राई की या नहीं की, मेरी रेसिपी में आपको क्या कमी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।